आमजन की समस्याओं को लेकर आजाद समाज पार्टी भी चुनावी रण में कूद पड़ी है। आजाद समाज पार्टी एमपी में 115 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। मध्य प्रदेश में अब आजाद समाज पार्टी की एंट्री हो गई है और ये 115 सीटों में अपने कैंडिडेट उतारेगी। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पिछले साल उन्होंने एक जनसभा कर सरकार को जनता की समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन जन समस्याएं सरकार की प्राथमिकता में नहीं है, इसलिए हम लोग संगठित होकर हमारी आवाज को उठाएंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता आज आजाद पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। आजाद पार्टी में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिए जाएंगे। देखिए, हमने 115 सीटों पे आज अपने प्रत्याशी उतारे और इस विश्वास उम्मीद के साथ उतारे कि मध्य प्रदेश की जनता इस बार हमें जो है मध्य प्रदेश में आशीर्वाद देगी। इसी साल हमने 12 फरवरी को भोपाल में एक बड़ी रैली करके जन समस्याओं को से सरकार को अवगत कराया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सरकार की नज़र में हमारे लोगों की समस्या नहीं, इसलिए हमने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है कि अपने लोगों को जागरूक करके और उनकी वोट को संगठित करके आजाद समाज पार्टी के जरिए जनता की आवाज़ को उठाया जाए। जो काम हम लोग सड़कों पर करते थे अब हमारे नेता सदनों के माध्यम से करें, इस बात की जिम्मेदारी हमने उठाई। मुझे यही आगे जानकारी मिली कि बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेता वो आजाद समाज पार्टी में आस्था व्यक्त करने जुड़ना चाहते हैं। मैं उनका धन्यवाद करूंगा, उनकी हिस्सेदारी और उनके सम्मान का ख्याल रखा। ये मैंने आपको बताया कि पार्टी ने 115 टिकट जो है अनाउंस किए हैं, उनमें बड़े पैमाने पर महिलाओं को, क्योंकि कमजोर वर्गों की महिला उस तरह से अभी चुनाव के लिए तैयार नहीं है, फिर भी हमने प्रयास किया है कि जो लड़ सकती है महिलाएं उनको हम लोग मौका। देखिए, सबसे ज्यादा मुद्दा सबसे तो बुनियादी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थी लोकतंत्र में, लोगों को नहीं मिल रही। उससे आगे बढ़कर मैं आपसे कहूंगा कि महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मध्य प्रदेश में मिलना चाहिए। जातिगत जनगणना हो, उसके आर्थिक आंकड़े जारी हो, नौजवानों को रोजगार मिले, महंगाई और बेरोजगारी से निजात मिले और कास्ट एट्रोसिटी जो बड़े पैमाने पर हो रही है उससे जनता की जीवन सुरक्षित हो, रोटी कपड़ा मकान किसी को दिक्कत ना हो, कच्चे मकान बहुत है मध्य प्रदेश में वो पक्के हों, जन समस्या की जो भी जन समस्या है चाहे वो सड़क की किसी भी चीज की उस पर हम लोग काम करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।